आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू। सर, इस वक्त जिस टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए मैंने इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है वो ये है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये रिक्वेस्ट की है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए, और इससे पहले भी ये बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो इसमें शामिल हो। और इसके लिए जो मैं देख रही थी कि हमारी जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज जहरा बलोच साहिबा, उनका ये कहना था कि ये इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है और इसमें पाकिस्तान का होना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये कितना सिग्निफिकेंट ग्रुप है और पाकिस्तान के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, और सबसे बड़ा सवाल इसके अंदर ये पैदा होता है इसके अंदर इंडिया भी मौजूद है तो क्या पाकिस्तान शामिल हो सकता है? देखें जी, पहली बात तो आप ये तय करें कि पाकिस्तान के जो जियो पोलिटिकल या जियो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको पूरे 20 साल लगे हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 20 साल हो गए हैं ब्रिक्स को, तो उनको पूरे 20 साल लगे हैं ये पता करने के लिए कि इस फोरम के अंदर हमारा होना कितना ज़रूरी है। और इस पे हम 20 साल से हर साल जब ये इजलास होता है, तो हर साल नहीं तो हर दूसरे साल हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि ये एक जो है इम्पॉर्टेंट तरीन फोरम है, बहुत हवालों से इसको ग्लोबल साउथ का एक रिप्रेजेंटेटिव फोरम के तौर पे भी देखा जा रहा है। इसकी बहुत बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट किस्म की इकोनॉमिक पोटेंशियल है, और इवन स्ट्रेटेजिक जो जाहिर है इकोनॉमिक पोटेंशियल के साथ जुड़ा होता है वो है। और उसमें जो मुल्क शामिल हैं वो सारे किसी न किसी एतबार से तरक्की याफ्ता मुल्क, आल दो के उनको तरक्की पजीर मुल्क कह सकते हैं, लेकिन वो इकोनॉमी के हवाले से बहुत मजबूत हैं और बहुत आगे निकले हुए। तो इसलिए हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान जैसे जो गरीब मुल्क हैं, जो तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं, उनके लिए इस तरह का फोरम जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि ये 20 साल, यानी ये समझ में ना आने का मतलब क्या है कि 20 साल उनको ये नहीं पता चला कि हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, जबकि लास्ट ईयर आपने देखा था जब साउथ अफ्रीका में इसका इजलास हुआ तो उसमें छोटे छोटे इथोपिया जैसे मुल्क जो हैं उनको भी मेंबरशिप दी गई, उसमें और ऐसे ममालिक हैं जो 2024 के बाद उसके बाकायदा एक्टिव मेंबर के तौर पर बनेंगे। तो इसका जो है जाहिर है कि इसके पीछे एक बहुत ही मिस्टेरियस किस्म का एक मैकेनिज्म काम कर रहा है कि कोई पाकिस्तान को ये बता रहा था कि नहीं नहीं आप अभी ठहरें, आपको अभी ज़रूरत नहीं है इस ब्रिक में जो है जाने की, और अब किसी ने उनको बता दिया कि नहीं अब आपका ठहरना आना जो है वो बड़ा ज़रूरी हो गया है। और इसकी वजह क्या है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं ये आपको भी पता है कि अब अगर वहाँ पे कोई पाकिस्तान को लेके जा रहा है किसी तरह के कोई सबूटाजिंग रोल प्ले करवाने के लिए, चूंकि ब्रिक ने एक जो है, पहले तो आप ये लोगों के सामने क्लियर करें ना कि ब्रिक की अब जो स्टैंडिंग है उसमें बुनियादी तौर पे जाहिर है चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है और चाइना डे वन से फैक्टर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि चाइना ने गुज़श्ता 20 साल से पाकिस्तान को क्यों नहीं शामिल किया ब्रिक में? इसमें शामिलियत अगर कोई मुल्क करा सकता था या कर सकता था तो वो चाइना था। उसकी वजह क्या है? एक तो इकोनॉमी के हिसाब से जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है, दूसरा पॉपुलेशन के हवाले से लार्जेस्ट है, इन्फ्लुएंस के हवाले से है, और ये जो 5 मुल्क थे बुनियादी तौर पे जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया था, जिसमें ब्राज़ील है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, तो इसमें जो है और साउथ अफ्रीका है, तो ये इसमें चाइना जो है ना वन ऑफ द मेन इंजन जिसको आप समझ सकते हैं था। तो चाइना जो है उसके जब आपके ताल्लुकात जो हैं वो इतने गहरे और इतने जो है वो ऊंचे हैं
तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप इसमें शामिल क्यों नहीं हुए, और आज आपके एक ऐसे मौके पे आप शामिल हो रहे हैं जब ब्रिक के फ्यूचर के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन लोग उठा रहे हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, और वो क्वेश्चन ये क्यों उठा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जी 20 साल में, 20 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, 20 साल में जो जो भी फोरम्स बनते हैं उनमें एक जो उनकी अचीवमेंट है वो है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो वायद ऑन ग्राउंड आपको अचीवमेंट नजर आती है ब्रिक की, जिसका आइडिया बुनियादी तौर पे ये था कि ये IMF को और वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस करेगा, और ये इस बुनियाद पे जो है 2014 में गालिबन या 15 में उसको शुरू किया गया। तो आज जो है वो जहाँ पे खड़ा है वहां से होके तो वो तकरीबन 28 बिलियन डॉलर जो है वो लैंड कर सकता है किसी भी अपने मेंबर मुल्क को। जाहिर है कि उसका मुकाबला आप वर्ल्ड बैंक या IMF से नहीं कर सकते, वर्ल्ड बैंक तो मेरे ख्याल में 100 बिलियन डॉलर से ऊपर और IMF उससे भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये कंसिडरेबल अचीवमेंट है जो न्यू वर्ल्ड बैंक, ये डेवलपमेंट बैंक है। इसके अलावा उनके दरमियान बहुत सारी जो चीजें हैं किसी चीज पे भी कोई पेशरफ नहीं हुई, मसलन उनकी एक मुश्तरका करेंसी का सवाल था, या मुश्तरका करेंसी अगर नहीं भी बनती तो इस चीज पे इत्तफाक करने का सवाल था कि हम जो है वो डॉलर के बजाय एक दूसरे की करेंसी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उनके दरमियान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का सवाल था, उनके दरमियान सोशियो कल्चरल इस तरह की जो एक्सचेंजेस हैं और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल था वो ये था। और बुनियादी तौर पे इसका फोकस जाहिर ये था कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो इकोनॉमिक हेजेमनी आप कह सकते हैं उसको थोड़ा सा हम कंट्रोल करेंगे और एक नया फोरम उभर के सामने आएगा, लेकिन इनमें से कोई चीज भी जो है वो अचीव नहीं कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिक जैसे मुल्कों के जो ब्लॉक्स हैं इनकी जो फ्यूचर है वो कोई बिल्कुल ही क्वेश्चनेबल बात है, ऐसी भी बात कोई नहीं है। अब उसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो इस मौके पे आके तो शामिल हो सकता है, तो उसमें आप ये देख लें इस वक्त जो हैरा हवाले से अगर हम देखें, मैंने गालिबन बताया या नहीं लेकिन ये दुनिया की जो टोटल वेल्थ है उसका जो पॉपुलेशन है उसका तकरीबन 42% जो है ये जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे मुल्क मिला के। आप देखें चाइना की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन है, ये सारे मिला के तो तकरीबन 3 बिलियन से ज्यादा लोग जो है वो इसके साथ हैं। फिर इसका 42% जो है इसकी वेल्थ दुनिया की टोटल GDP की जो है वो इन मुल्कों के अंदर है। फिर इस इन्हीं मुल्कों के अंदर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, मसलन चाइना जो है वो थर्ड लार्जेस्ट बनने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह इसी के अंदर जो है रशिया जैसा मुल्क है जिसको वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री जो है वो करार दिया जा सकता है GDP और जो नेचुरल रिसोर्सेज और एनर्जी सुपर पावर समझा जाता है उसको, ऑयल एंड गैस वगैरह के हवाले से। तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़े पोटेंशियल में जो है वो पाकिस्तान को ये नजर आ रहा है कि इसमें ये चीज है, लेकिन ये पाकिस्तान की उस पॉलिसी से जो है वो एक तरह का इनहराफ है जो गुज़श्ता 20 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान किसी ऐसे फोरम में शामिल ही नहीं हो रहा जिसमें इंडिया जो है वो कोई लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया अब जाहिर है जहां भी किसी फोरम पे जाएगा वहां उसका लीडिंग रोल बाई नेचर जो है उसका जो रकबा है, आबादी है, इकोनॉमी है और जो गुडविल है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इन्फ्लुएंस है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, यू नेम इट, उस सारे के हवाले से वो खुद ब खुद बन जाता है। इसमें जो है वो कुछ करने की उनको जरूरत नहीं है। तो अब ऐसा कौन सा फोरम आप ढूंढेंगे जिसमें इंडिया नहीं होगा लेकिन आप अकेले होंगे कि वो पंजाबी का वो शेर मुझे याद आता है कि जिसमें पता नहीं गलियां खाली हों और उसमें रांझा यार फिरे। मिर्जा या रांझा यार फिरे वाली बात जो है ये कैसे होगी, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकती। तो इसलिए इसमें फिर घुमा फिरा के तो जाहिर है कि अगर ब्रिक्स के मुल्कों में से जो बेसिक मेंबर हैं एक भी एतराज करे तो पाकिस्तान मेंबर नहीं बन सकता।
जिसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अगर मेंबर बनना है तो उसको इंडिया के साथ मामला तय करने पड़ेंगे। इंडिया के साथ जब आपको मामला तय करने पड़ते हैं या पड़ेंगे तो फिर आप सिर्फ ब्रिक के लिए तो नहीं कर सकते ना, ना इंडिया सिर्फ ब्रिक के लिए करेगा, फिर तो उसका जो मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज हैं वो आपका अपना बॉर्डर इश्यू है जिसपे आप अब भी लड़ रहे हैं एज वी स्पीक। ये अभी लास्ट वीक जो है वहां पे जो पुंछ एरिया है, राजौरी एरिया है, जो वैली से बाहर के एरिए हैं, वो नाम लोगों ने कम सुने हैं क्योंकि ज्यादा पहले मिलिटेंसी वैली में होती रही, तो वहां पे मिलिटेंसी हो रही है, वहां पे ऑफिशियल्स जो है वो मारे गए हैं, दूसरे लोग सिविलियन मारे गए। तो एक तरह की आपकी जो जंग जारी है सीज फायर के बावजूद, एक तरफ से मिलिटेंसी है और वो मिलिटेंसी के बारे में इंडिया का दावा है कि इनको पाकिस्तान जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर ड्रोन के जरिए जो है वो असलाह दे रहा है, यानी वो जो मिलिटेंट जंगलों में छुपे हुए हैं और कार्रवाइयां कर रहे हैं उनका सारा असलाह और बहुत सारी जरूरियात जिंदगी की चीजें ड्रोन के जरिए सरहद पार से आती पाकिस्तान जेर इंतजाम कश्मीर के सरहदों से। तो इस तरह के जब सीरियस चार्जेस हैं और उसकी कुछ इंडिकेशंस भी हैं कि बहुत सारे मिलिटेंट इस पार भी जो वो मारे गए अभी रिसेंटली, वो जो एक सीरीज ऑफ किलिंग थी उसमें कुछ मिलिटेंट इस्लामाबाद में, कुछ जो है वो रावलाकोट में, कुछ इस तरह के शहरों में जो है वो मारे गए। तो जब भी आप इस तरह की बात करेंगे तो इंडिया का जो डे वन से आपसे मुतालबा है वो ये है कि जब तक आप दहशत गर्दी पर काबू नहीं पाते उस वक्त तक आपसे कोई बात नहीं हो सकती। दहशत गर्दी की जहां तक बात है तो आप अभी तक वहीं खड़े हैं, तो जाहिर है इंडिया इस पे राजी तो नहीं होगा कि आप ब्रिक में शामिल हो जाएं। और असल जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपका झगड़ा है जहां से कि शुरुआत होनी चाहिए उसको बाईपास करें आप। लेकिन ये मुझे इसलिए नामुमकिन नजर आ रहा है कि अभी जो जरदारी साहब का इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने खारजा पॉलिसी पे जो सवालात का जवाब दिया, उसने अफगानिस्तान डिस्कस किया, उसमें उन्होंने ईरान डिस्कस किया, उन्होंने सेंट्रल एशिया डिस्कस किया, लेकिन उन्होंने जो है वो इंडिया का नाम तक नहीं लिया और कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, जो जाहिर है एक दूसरे तरीके से देखा जा सकता है कि जाहिर है कश्मीर पे नाम ना लेने की उन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है एस्टेब्लिशमेंट को या जो भी सिचुएशन है उस पर बात नहीं, लेकिन इंडिया का नाम ना लेना, आप रीजनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आप रीजनल पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप जो है अपने पड़ोसियों और हमसायों के साथ दोस्ती और मोहब्बत के रिश्तों की बात कर रहे हैं और आप खित्ते के सबसे बड़े और सबसे कामयाब मुल्क का नाम ही नहीं लेते, तो इसका मतलब क्या है कि आप मजाक कर रहे हैं ना। तो उसी मुल्क से आप ये तवक्को रखें कि वो मुल्क आपको ले जाके तो ब्राजील और रशिया और पता नहीं किस किस से तजारत कराएगा, तो ये तो होता नहीं अमली दुनिया में। इसलिए मैं समझता हूँ नटशेल में ये एक फेल्ड किस्म का आइडिया है और ये गलत तरीके से गलत जगह पे फ्लोट हो रहा है। पाकिस्तान को डायरेक्टली इंडिया के साथ विदाउट एनी डिले नेगोशिएट करना चाहिए ये सारे जो है पीस और प्रॉस्पेरिटी और बॉर्डर्स इश्यूज हैं इन पे। ठीक, बड़ा आपने अच्छा वो जो उसमें आपने हवाला दिया जरदारी साहब के इंटरव्यू का, वो तो उधर डर के मारे नहीं किया होगा, नाम नहीं लिया होगा ना, तो आपको पता ही आगे इलेक्शन है तो वोट लेना है। अच्छा वैसे साहब, इसमें एक सवाल ये भी होता है कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि रशिया से उम्मीद है पाकिस्तान को, तो वो इसमें जो है वो पाकिस्तान के उस हक में जो है वो सपोर्ट करेगा उसे। इसी तरीके से चाइना भी है, लेकिन इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि जो इंडिया अगर उसको कहता है नो तो फिर वो नहीं होगा। और सर इसी में मैं ऐड करना चाहूंगी, जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फर्दरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड रिवाइटलाइजिंग इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। तो क्या आप ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान शामिल हो जाता है तो वो ऐसा कोई रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर? देखें जी, इसमें रोल जो है जहां पे चाइना है, इंडिया है, रशिया है, मैंने आपको पहले बताया और उनका पोटेंशियल भी बताया, उसमें पाकिस्तान कितना एक रोल प्ले करेगा, यही तो बड़कबाजी है ना। रिवाइटलाइजिंग कौन सा ये लफ्ज़ है, पता नहीं कहाँ से निकाल के विक्टोरियन अंग्रेजी लेके आ जाते हैं, ये कहाँ से करेगा भाई। पहले आप अपना पोटेंशियल तो देखें।
अपना ये है कि क्या को बैंकरप्सी और कलैप्स के उस पे हैं, आपकी इकोनॉमी जो है वो सारी जो है वो डे बाय डे जिसको कहते हैं उस पे चल रही है। तो आप जाके इतने बड़े बड़े मुल्कों और इतनी बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस को जो है वो बूस्ट अप करेंगे और उनको इस तरह की जो है वो करेंगे, ये तो यही वो सुपीरियरिटी का प्रॉब्लम है। उसमें आप हाथ जोड़ के जाएं जी भाई साहब, हमारी इकोनॉमी को और हमारी तरक्की और खुशहाली का आप लोगों के साथ ताल्लुक है, क्योंकि इंडिया हमारा पड़ोसी है, चीन हमारा रिलेटेड है, फलां है, रशिया हमारी जरूरत है, तो हमें आप लोग शामिल करें, हम मिलके आपके साथ काम करेंगे। उन्होंने पहले ही लीडरशिप का दे दिया कि नहीं, हम इसमें पता नहीं कौन सी ऐसी तब्दीली लेके आएंगे और ऐसा कोई जनाब इसको इंजन लगाएंगे कि ये हैरतजदा रह जाएंगे। अब जब आप इस तरह की भड़कबाजी मारते हैं तो उसका फिर जाहिर है रिएक्शन भी उसी तरह का होता है। बुनियादी तौर पे रशिया या चाइना बरसगीर में अपने इस फोरम के हवाले से इंडिया पे डिपेंडेंट है, तो इंडिया को बाईपास करके वो पाकिस्तान से डायरेक्ट कोई डील नहीं करेगा। वो भी उनको यही कहेंगे कि भाई आप इंडिया से बात कर रहे हैं और ये बात चाइना जो है पाकिस्तान को समझाने की 50 साल से कोशिश कर रहा है, सारे चाइना के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उठा के देख लें, उन्होंने हर इशू और हर कॉन्फ्लिक्ट पे पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है कि इंडिया के साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ढूंढें ऑन ईच एंड एवरी काउंट। अच्छा, इसमें सर एक और बात भी है कि ये बात भी कही जा रही है कि क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं इनकी बहुत बड़ी ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसमें एंटर होने से जो है फायदा मिलेगा। तो क्या इसी वजह से पाकिस्तान जाहिर है कि सोच रहा होगा कि चलें थोड़ा सा जो है हेल्प आउट हो जाए। और इसी के अंदर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखने में है। नहीं, देखें इसमें जो बात आप याद रखें, वो याद रखने की है, वो ये है कि ये जो ब्रिक वाले मुल्क हैं इनके दरमियान कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, कोई इस तरह की जो गैर मामूली किस्म की कोई अरेंजमेंट नहीं है जिसकी वजह से मसलन इंडिया को ब्राजील, अर्जेंटीना की निस्बत ब्राजील से ज्यादा कोई जो है वो राइट मिलती हो, उनके दरमियान कंपटीशन उसी तरह का है। तो ये मुल्क इसलिए एक दूसरे के लिए फायदा मंद है कि उनका जो इकोनॉमिक लेवल है वो तकरीबन मिलता है, वो इस काबिल हैं कि एक दूसरे को कोई चीजें इंपोर्ट करें, कुछ एक्सपोर्ट करें, तो उसके लिए उनके लिए ये सूदमंद है। पाकिस्तान उनसे कोई चीजें इंपोर्ट तो जरूर करेगा लेकिन एक्सपोर्ट क्या करेगा ये जरा मुझे बताएं आप। मसलन पाकिस्तान ब्राजील को क्या एक्सपोर्ट करेगा, रूस को क्या एक्सपोर्ट करेगा, चाइना को क्या एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करेगा, जब आपके पल्ले ही कुछ नहीं है जिसको पंजाबी में कहते हैं। तो आप इस तरह के अरेंजमेंट के अंदर चले भी जाएं तो आप कोई उससे फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके दरमियान कोई फ्री ट्रेड नहीं कि पाकिस्तान को राइत मिल जाएगी तो वो अपनी कोई चीज जो है वो, चलो कपड़े हैं, कॉटन है, कोई भी जो चीज वो बना रहा है वो उसको एक्सपोर्ट कर देगा। देर इज कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना है, ना उसके आसार हैं, वो तो एक कंपटीशन है। अब उनके दरमियान एक तरह की एक सतह है जिसकी बुनियाद पे उनके दरमियान एक कुर्बत बनती है। अब जो मुल्क उन्होंने शामिल किए भी हैं, अब इथोपिया का नाम हम जब लेते हैं तो हमारे जहन में वो 20 साल पुरानी इथोपिया है जो कि हमें जहन से निकाल देना चाहिए। अब इथोपिया ने इन 20 सालों में, हम उसकी मिसालें देते रहे एज ए फेल्ड कंट्री और एज ए दिस एंड दैट, एंड उसने इतनी बड़ी तरक्की कर ली, वो अब एक सक्सेसफुल किस्म की कंट्रीज में जो है उसका शुमार होना शुरू हो गया है। इस तरह उसमें सऊदी अरब आया है, इस तरह के मुल्क आए हैं जो रिच इकोनॉमीज हैं। तो पाकिस्तान को पहले अपने पोटेंशियल की तरफ भी जरा देखना चाहिए कि वो जो है वो उसके पास है क्या, बना क्या रहा है, प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ताकि वो किसी मुल्क के साथ बात करे। हुआ चलो इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम क्या है, सवाल तो ये पैदा होता है ना कि इंडिया के साथ अगर आप बात करें फ्री ट्रेड की या आप बात करें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की, तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक इनसिक्योर और खौफजदा किस्म की क्लास है जो ये समझती है कि इंडिया हमें निगल लेगा।
और उनका सामान हमारी मार्केटों को टेक ओवर कर लेगा, उनकी इकोनॉमी छा जाएगी, उनका कल्चर टेक ओवर कर लेगा, हम तो बिल्कुल जनाब फर्क हो जाएंगे, यही तो उनका प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जो है इस चीज का कोई इलाज दुनिया में नहीं है। ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है और एक खौफ है, उसका इलाज सिर्फ तरक्की में है, ताकि आप उस कैलिबर पे जाके अपनी चीजें उस तरीके से प्रोड्यूस करें और आप कहें कि हम मुकाबला कर सकते हैं। तो ऐसी बात मुझे कोई नजर नहीं आ रही फिलहाल। तो सर हम यहाँ पे पहुंचे कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इंडिया के साथ कॉर्डियल रिलेशंस में ही है। मैं ही है उसकी वजह यह है कि इंडिया पाकिस्तान में बड़ी हद तक जो है वो सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सारी चीजों में, गुरबत में भी बहुत सारी चीजें मुश्तरक हैं। ये नहीं कि इंडिया में गरीब लोग नहीं है, बेशुमार लोग हैं जो इंडिया में गरीब हैं। अभी तक ये जो इंडिया की इकोनॉमिक बूस्टिंग है वो अभी तक उस तरीके से ट्रिकल डाउन नहीं हुई है। वहां भी जो है वो मिलियंस की तादाद में गरीब रहते हैं, डेवलपमेंट की जरूरत है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो उसकी वजह से पाकिस्तान जो है थोड़ा सा मैच कर सकता है, लेकिन आप जाके ब्राजील के साथ या अर्जेंटीना के साथ या रशिया के साथ या चाइना के साथ आपने देख लिया कि उसमें उसकी निस्बत इंडिया जो है आपके लिए बहुत कुछ है। पूरी तजारत करने के लिए सारी फॉरन आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या फॉरन इम्पोर्ट है या एक्सपोर्ट है, उसके लिए इंडिया जो है मोर देन सफिशियंट है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। भाई साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। सर थैंक्स अ लॉट, दोबारा भी आपसे बात होगी। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। थैंक यू।